तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वापस से सीआरएस जो उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन का खरवा चांदा से जैसामंद रोड के बीच में सीआरएस की डेट जो दोस्तों अभी उछल रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से क्या दोस्तों, कल शाम से ही एक जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से वायरल हो चुकी है फेसबुक और इंस्टाग्राम ना जाने कहां कहां पर, जहां पर भी उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन के पेजेस बने हुए हैं दोस्तों, वहां वहां पर सीआरएस की जो डेट है उसको वायरल कर दिया गया है। दोस्तों, असल में न्यूज़ ये है कि वहां के कुछ रहने वाले लोकल लोगों के द्वारा वहां के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स से जब बात की गई तो उसके अनुसार पता चला है कि 22 जून 2022 को इस रूट का जो सीआरएस है वो होना है। लेकिन अभी देखा जाए तो दोस्तों, वैसे तो वर्किंग भी इतनी नहीं रह गई है जावर रेलवे स्टेशन के ऊपर कि इतना भी टाइम लगे। हालांकि 20 तारीख के आसपास में सीआरएस हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि 26 जून से पहले पहले इस रूट का जो सीआरएस है वो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, प्रेडिक्शन के तो अनुसार जो डेट है वो एकदम सही निकाल दी गई है कि 26 जून से पहले यानी कि 22 जून को इसका सीआरएस की डेट बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि 22 तारीख तक भी इसका सीआरएस जो है वो हो पाएगा। और अगर दोस्तों सीआरएस हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है। हालांकि अभी रेलवे ऑफिशियली ये निकल करके नहीं आया है कि इस रूट का जो सीआरएस है वो किस तारीख को होने वाला है। और दोस्तों, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैंने न्यूज़ पे आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जितनी भी ट्रेनों का संचालन है मैक्सिमम, दोस्तों मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद में यहां पर ट्रेनों के संचालन की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों, डीजल सेक्शन में अभी लिमिटेड ट्रेनों का संचालन होगा इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद में, क्योंकि दोस्तों हाई स्पीड ट्रेनें आ जाएंगी। यहाँ रूट का जो लिमिट है दोस्तों वो 100 से ऊपर होकर के 110 किलोमीटर का हो जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हो सकती हैं जिनका एक्सटेंशन किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद और उदयपुर में डीजल लोको चेंज किया जाएगा, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए दोस्तों, आप बातों को पहले क्लियरली समझा कीजिए। और जिसने भी ये बात को मेरी ट्रोल किया उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ बात को पहले समझा कीजिए। जिस बात को मैं करना चाह रहा हूँ और जिस तरीके से कर रहा हूँ उसको पहले समझा कीजिए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इस चैनल पे आने वाले हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।